जिला चंबा में कोरोना का प्रभाव कम होता नहीं दिख रहा है। पिछली रात चंबा में सामने आए कोरोना की रिपोर्ट में 39 कोरोना के मामले सामने आए। वहीं जिला में कोरोना के कारण 20वीं मौत का मामला सामने आया है, जिसमें भरमौर के 45 वर्षीय व्यक्ति की टांडा में मृत्यु हो गई। जिला में कोरोना की स्थिति बारे जानकारी देते हुए जिला स्वास्थ्य अधिकारी जालम भारद्वाज ने बताया कि जिला में अब तक 36,233 कोरोना के टेस्ट किए गए हैं, जिसमें 6,222 टेस्ट रैट में और 28,834 टेस्ट आरटीपीसीआर में और 1,170 टेस्ट ट्रूनेट मशीन में किए गए हैं। वहीं उन्होंने बताया कि इन टेस्टों को करने के बाद 1,461 कोरोना के पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। वहीं 1,276 कोरोना रोगी अब तक स्वस्थ भी हुए हैं और अब जिला में 232 कोरोना के एक्टिव मामले हैं। इस दौरान उन्होंने जिला में कोरोना के कारण हुई 20वीं मौत के बारे भी जानकारी दी। जो डिस्ट्रिक्ट चंबा का जो कोविड-19 का अपडेट अब तक का इस प्रकार से है, हमने जो टोटल सैंपल कलेक्ट किए हैं डिस्ट्रिक्ट चंबा में वो 36,233 के करीब आज तक हमारे सैंपल जो टेस्ट हो चुके हैं और टेस्टिंग रेट हमारा बन रहा है 69.7 पर 1,000 पॉपुलेशन। और इसमें हमारे 36,233 सैंपल हमने कलेक्ट किए थे, उसमें 1,461 जो है हमारे वो पॉजिटिव केसेस अब तक निकले हैं और पॉजिटिविटी रेट जो है हमारा वो बन रहा है 4.04 के करीब। एट प्रेजेंट अभी जो हमारा लेटेस्ट अपडेट है वो 232 जो केसेस हमारे वो एक्टिव हैं और आज 32 के करीब आज डिस्चार्ज भी हुए हैं, तो 232 जो है वो हमारे अभी आइसोलेशन में है और रिकवर जो कर गए हैं केसेस वो हमारे 1,206 तक जो ठीक हो चुके हैं और उनको हमने डिस्चार्ज कर दिया है। और इस तरह रिकवरी रेट जो हमारा 82.5 बन रहा है। अब तक जो कोविड की डेथ हुई है वो 20 के करीब हमारे कोविड डेथ हुई है और 2 जो है वो नॉन कोविड डेथ भी हुई। एक कल ही एक केस हमारा जो टांडा हमने यहाँ से रेफर किया था डीसी चंबा से, उसकी कल टांडा में वो भी एक डेथ रिपोर्ट की गई है। 45 ईयर्स मेल था, यहाँ पे एडमिट था चंबा में और कुछ कॉम्प्लिकेशंस थी तो इसलिए उन्होंने रेफर किया और टांडा में वो कल उसकी जो डेथ है वो कल रिपोर्ट हुई है। ये जो हमारे 36,000 के करीब टोटल जो सैंपल हमने टेस्ट किए हैं वो हमने कुछ तो रैट भी करे हैं, जो आजकल रैपिड एंटीजन टेस्टिंग जिसमें विद इन 15 मिनट्स में उसका हाफ एन आवर में वो टेस्ट रिपोर्ट दे देते हैं, तो कुछ हमने ट्रूनेट मशीन पे किए हैं। कन्फर्मेटरी ट्रूनेट हमारा टेस्टिंग हो रही है, भरमौर में भी हो रही है, पांगी में हो रही है और एक चंबा में हो रही है, तो कुछ उसमें करें हमने। और एक हमारी जो लैब है आरटीपीसीआर लैब डिस्ट्रिक्ट चंबा में, उसमें भी हमने कुछ किया। तो इसका जो डाटा है हमारे पास, जैसे अब तक 28,834 जो हमने इस पे आरटीपीसीआर में टेस्टिंग की है और रैपिड एंटीजन टेस्टिंग में 6,222 हमने अब तक टेस्ट किए हैं और ट्रूनेट पे 1,170 जो हमने वो ट्रूनेट पे टेस्ट किए हैं। तो जो तीन मशीन्स हैं हमारी ट्रूनेट की, उन पे ये टेस्टिंग हुई है। जो हमारे 232 केस जो एट प्रेजेंट एक्टिव हैं उनको हमने मैक्सिमम जो हमारे होम आइसोलेशन में है, जो विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशंस हैं वो होम आइसोलेशन में रखा हुआ उनको हमने, और कुछ हमारा डीसीएच में है चंबा में और कुछ जो हमने यहाँ से रेफर किए थे केस, जैसे हमारा जीएमसी में भी है, कुछ टांडा में भी है हमारे, और एक आध केस भी हमारा उसमें डीसीएच धर्मशाला में भी रेफर हुआ है और बाकी जो है वो होम आइसोलेशन में रखे हुए हैं। लेकिन अभी जो टेस्टिंग हमारी हमने टेस्टिंग जो सैम्पलिंग थी हमारी वो इंक्रीज हुई थी पीछे काफ़ी, हमने 600-700 के करीब डेली हमने टेस्ट सैंपल्स लिए थे, इसलिए जो आंकड़ा था कल ही हमारे 39 केसेस जो है पॉजिटिव आए हैं, उनको भी अभी हम जस्ट हाफ एन आवर में उसका जो कहाँ कहाँ उसको अप्रोप्रिएट फैसिलिटीज़ में हमने करना है या होम आइसोलेशन में रखना है उनको भी हम अभी आधे घंटे में उनको शिफ्ट करवा रहे हैं। और दूसरा सीज़न, जैसे विंटर सीज़न भी है और विंटर सीजन में भी केसेस बढ़ रहे हैं क्योंकि इसमें भी इस तरह आई लाई सिम्टम्स बढ़ जाते हैं, खांसी जुकाम बुखार बढ़ जाता है और उसमें भी फिर लोग भी नेचुरली खुद भी वो आगे आ रहे हैं टेस्ट कराने के लिए, तो केसेस तो बढ़ेंगे ही।
लेकिन फिर भी हमारी ये सलाह रहेगी कि विंटर में एटलीस्ट थोड़ा सा जो हमारी वल्नरेबल पॉपुलेशन है, जो एज्ड ग्रुप है या कोई जिसमें कोई कम्प्लिकेसी है या कोई डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, कोई ट्रीटमेंट ले रहा है, एंटी कैंसर ट्रीटमेंट ले रहा है, तो उन लोगों को हम यही सलाह देते हैं कि विंटर से एटलीस्ट बचें, घर जितना हो सके घर में ही रहें, और अगर इन केस अगर थोड़ा सा निकलना भी पड़ता है तो वो जो तीन चीज़ें हैं, मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, और अगर किसी सरफेस को टच करते हैं कहीं भी तो सैनिटाइजेशन या बार बार साबुन और पानी से हाथ को भी साफ करें, और यही हमारी सलाह है। और इसी तरह ये केसेस अगर ऐसा ही ट्रेंड रहा तो हो सकता है सर्दियों में और भी चांसेस हैं, और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स जिसमें हैं, सांस की प्रॉब्लम, वो भी सर्दियों में बढ़ जाती हैं, तो उसमें भी कोविड की तरह मतलब कोविड की वजह से हो सकता है कि काफ़ी कम्प्लिकेशन आएँ। तो इसलिए हम उनको बार बार ये आग्रह करते हैं कि अगर इस तरह के सिम्टम हैं तो हमारी जो नियरेस्ट आप सेंटर है, हेल्थ सेंटर, आजकल ये रैड टेस्टिंग तो अपने PSC लेवल तक कर दी हुई है, इवन हम जो हमारी सैम्पलिंग वैन है वो PSC लेवल से भी जहाँ तक रोड जा सकती है वहाँ तक, वहाँ पर भी हम टेस्टिंग करवा रहे हैं। तो हम बार बार यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर इस तरह का कोई सिम्टम, खांसी है, जुकाम है, बुखार है इस तरह का, या गला ख़राब है लगता है, तो खुद जो हमारी वो है नियरेस्ट सेंटर, हेल्थ सेंटर है, वहाँ पे वो बताएं, अपना चेकअप करवाएं और टेस्टिंग भी करवाएं, ताकि उसको जल्दी हम डायग्नोज कर पाएंगे। जल्दी डायग्नोज कर लिया उसका ट्रीटमेंट जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, तो कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस बड़े कम हैं, और कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगी तो कोविड पर जीत पाना आसान है। पर अगर लेटर स्टेज में आते हैं, ये जो हमारी BC की डेथ हुई है तो ये भी ड्यू टू लेट रिपोर्टिंग, वो लेट आए और कुछ में कोमॉर्बिड कंडीशंस थी, डायबिटिक थे, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम थी, फिर उनको जैसे कॉम्प्लिकेशंस आई तो यहाँ मैनेज एडमिट किया, यहाँ मैनेज नहीं हुआ तो उनको रेफ़र किया हमने, तो कईयों की तो बेचारे रास्ते में जो डेथ हुई, और कई पहुँच गए तो उनको भी बचा नहीं पाए। तो इसलिए हमारी सलाह है, यही हमारी अपील है जनता से कि जल्दी से जल्दी अपना जो है टेस्ट कराएँ, और इस तरह के अगर आपको लगता है कि ये सिम्टम्स हैं तो नज़दीक में अपने वो सैंपल्स को दे